जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पर काला जादू होने से पहले आपको कुछ संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को आप जान लें ताकि आप उससे बच सकते हैं। हाँ, और काला जादू से बचने के इसमें उपाय भी बताए जाएंगे, और कोई नहीं, अगर आप पर कोई टोटका कर रखा है तो उसका भी उपाय बताएंगे, और इस पूरे विषय पर हम आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन के लिए, जो आपके सकारात्मकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने का मन है तभी इसे पूरा देखें, और अगर आप इसको बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं तो अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि फिर बाद में आपको अधूरा ज्ञान जीवन के लिए तकलीफ देगा। तो हम इस चर्चा को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक यूनिक नाम लिखे। जो भी व्यक्ति यूनिक नाम लिखेगा मैं उसकी कुंडली फ्री में देखूंगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का कोई यूनिक नाम कमेंट्स करेगा जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे तो सभी नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस अच्छे नामों में से भी जो बेस्ट नाम होगा मैं उन्हें खुद मैसेज करूँगा, अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, और वो मुझसे सीधे बात कर पाएंगे। उनका उनसे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले व्यक्ति के लिए। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात है कि जादू जब भी कोई काला हम पर होता है तो ये एक नकारात्मकता है, एक नेगेटिविटी है, एक डिप्रेशन और एक तनाव का दौर ये जो चल रहा है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। दरअसल सबसे पहली बात है कि काला जादू और इस तरह की जो एक चीज़ें होती है एक मिथक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जहाँ सच है वहाँ झूठ जरूर है, लेकिन ये एक नेगेटिविटी है और एक वो लोगों द्वारा एक बनाया हुआ हवा है जिससे कि हम डिप्रेशन और तनाव में तो पहले से हैं ही, और हम उसे वेरीफाई कर ले कि हम पर किसी ने कुछ कर रखा है। तो पहली और मुख्य बात है कि ये युग तनाव से भरा हुआ युग है, इसमें डिप्रेशन और तनाव में जाना एक सामान्य व्यय है, और इसको स्वीकार कर ले। सबसे पहले तो अगर हम तनाव डिप्रेशन में तो खुद को स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं तनाव डिप्रेशन में हूँ, ताकि हम उसके हल की ओर जाएं कि इसका हल क्या है, समाधान क्या है, और उसके समाधान में हमें सबसे पहला समाधान अब आध्यात्मिक चेतनाओं में जाए, ईश्वर के जप में जाए, और जीवन की परवाह करना छोड़े। मतलब जीवन की परवाह से मतलब जो जीवन में टेंशन होता है ना बहुत सारा, उससे खत्म करें। टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल कूल रहे, डाउन रहे, खुद को महसूस करें कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, और मुझे इस जीवन में एक लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करना है। अगर हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो हम तनाव में जाएंगे। कई बार भावनात्मक तनाव से भी हम घिर जाते हैं, जैसे हमारे घर का जो कुछ खास होता है, या प्रेम प्रसंग, या हमारे घर में माता पिता से जिससे भी हमारा अटैचमेंट होता है, उनको खो देने से भी कई बार हम थोड़ा सा टूट जाते हैं। पर इस दुनिया का रीत है, जो आया है वो जाएगा, इसे स्वीकार करें, एक अखंड सत्य को स्वीकार करें, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ा उपाय है इस जीवन में बाहर निकलने के लिए दोस्तों। और रही बात संकेतों की, जो संकेत आपको मिलते हैं वो केवल एक नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, और संकेत दिखाकर आपको नेगेटिव वे में डालना चाहते हैं, तो उनसे सावधान रहें।